पूर्णिया मिरर पर आपका स्वागत है। पूर्णिया में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। आए दिन कत्ल लूट की घटना सामने आ रही है। ताजा मामला पूर्णिया शहर के मरंगा का है, जहां हत्या की एक ऐसी वारदात हुई है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। बदमाशों ने एक युवक की हत्या कर उसकी दोनों आंखें निकाल ली और फिर चेहरे को तेजाब से जला दिया। जब दरिंदों का इससे भी मन नहीं भरा तो उसके बाद युवक के शव को आम बगीचा में पेड़ से लटका दिया। कत्ल की ये वारदात मरंगा थाना क्षेत्र के कटहलबाड़ी गांव की है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुट गई है। घटना स्थल पर पहुंचे मरंगा थाना के दरोगा अवधेश कुमार ने घटना की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि शुरुआती तौर पर यह हत्या लग रही है। उन्होंने बताया कि घटना को कहीं और अंजाम दिया गया है, इसके बाद शव को यहां पेड़ से लटकाया गया है। शव को देखकर लगता है कि किसी दूसरी जगह हत्या कर मरंगा थाना क्षेत्र में शव को लाया है। युवक का चेहरा बुरी तरह जला हुआ है, दोनों आंखें निकाली हुई हैं। हालत इतनी खराब है कि ग्रामीण भी शव की पहचान नहीं कर पा रहे हैं। मरंगा थाना में गुमशुदगी का मामला भी दर्ज नहीं है। मरंगा थाने के दरोगा अवधेश कुमार का कहना है कि ऐसा लगता है कि घटना किसी दूसरे थाना क्षेत्र की है। FSL की टीम पहुंचकर छानबीन कर रही है। हत्या की इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा उस वक्त हुआ जब सोमवार की सुबह बगीचे में युवक का शव मिलने के बाद गांव वालों में हड़कंप मच गया। शव को देखने से लगता है कि उसकी उम्र 40 साल के आसपास होगी। स्थानीय लोगों ने बताया कि सोमवार की सुबह झाड़ियों से होकर गुजरते हुए उनकी नज़र लीची के पेड़ से लटकी लाश पर पड़ी। शव को देखकर लगता है कि किसी ने मारपीट कर इसकी हत्या कर दी। एक हफ्ते के भीतर मरंगा में कत्ल की इस तीसरी वारदात से इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग बता रहे हैं कि रात के अंधेरे में घटना को अंजाम दिया गया है। डेड बॉडी को छोड़कर मौके पर कुछ भी नहीं मिला। मरंगा थाना क्षेत्र में एक सप्ताह के अंदर ये लगातार तीसरी हत्या है। इससे पहले एक महिला का अज्ञात शव मिला था, दूसरा शव युवक का झाड़ी में मिला था। लाश मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने बताया कि 6 से 7 दिन पहले हत्या की गई है। युवक के पॉकेट में मोबाइल भी मिला है, इसी मोबाइल से मृतक की पहचान होगी और घटना का राज खुल सकेगा। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि सनसनीखेज हत्या से ठीक 2 दिन पहले भी मरंगा में एक झाड़ी में युवक का शव मिला था। अगल बगल के लोग घटना स्थल पर पहुंचे, लेकिन कोई भी युवक की पहचान नहीं कर पाया था। मॉर्निंग वॉक पर निकले स्थानीय लोगों की निगाह जब शव पर पड़ी तो उन्होंने स्थानीय थाने की पुलिस को इसकी सूचना दी। थाने की पुलिस और FSL की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर सबूत इकट्ठा किया, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई खुलासा नहीं हुआ है। अब पूर्णिया पुलिस के लिए एक सप्ताह के भीतर मरंगा में 3 हत्या की गुत्थी को सुलझाना सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। साथ ही मरंगा के लोग भी इस बात से बेहद डरे हुए हैं और वो जानना चाहते हैं कि हत्यारे कौन हैं, जो एक सप्ताह में 3 कत्ल कर सीधे सीधे पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती दे रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे कुछ और नए रोचक वीडियो के साथ।